किसान साथियों, वैसे तो मैसी कंपनी के पास में 50 एचपी रेंज के अंदर काफी नए नए विकल्प किसान भाइयों के लिए उपलब्ध हैं। उसी रेंज में से अब एक ट्रैक्टर आपके लिए मैं लेके आया हूँ, मैसी कंपनी का बेहतर 50 पावर अप। अब इस ट्रैक्टर में किस प्रकार का इंजन इस्तेमाल किया गया, क्या क्या फीचर आते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा वीडियो में ही इस ट्रैक्टर की जो कीमत आपको बताई जाएगी, तो वीडियो को आप जरूर डिटेल में देखें। उसके अलावा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो ग्रिल दी गई है अलग से सिल्वर कलर के साथ में एलिमेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस ट्रैक्टर के लुक को और भी बढ़ा देता है। बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे जाली अलग से देखने को मिल जाती है, जो कि अंदर की तरफ यहाँ पे डिजाइन करी गई है। एयर सर्कुलेशन के लिए काफ़ी अच्छी जगह इस ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ में जो हेडलाइट्स हैं वो हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है, जो साइज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज में दी गई है। सामने की तरफ जो बम्पर दिया गया है वो आपको 60 किलो की कैपेसिटी के साथ में आता है, जो कि ट्रैक्टर को आगे से घूमने नहीं देगा, एक वेट का भी कार्य यहाँ पे करता है। उसके अलावा जो फ्रंट एक्सल है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको नॉन एडजस्टेबल दिया गया है, किसी प्रकार की एडजस्टमेंट इसमें नहीं देखने को मिलती है। उसके साथ साथ में साइड प्रोफाइल की बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख सकते हैं मैसी फर्ग्यूसन बेहतर 50 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, और पावर अप की ब्रांडिंग इसमें आपको साइड में आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा 50 एचपी रेंज के अंदर ये ट्रैक्टर आता है, तो फुल ब्रांडिंग इसकी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि दिखने में काफ़ी स्टाइलिश लगती है। उसके साथ साथ में इस ट्रैक्टर के अंदर जो पावर स्टीयरिंग है वो आपको डुअल एक्टिंग पंप के साथ में दिया गया है। डुअल एक्टिंग होने से ट्रैक्टर की जो कटाई है काफ़ी मक्खन कटाई के साथ में ट्रैक्टर मुड़ता है, चाहे आप रोड में चलाएं या फिर इंप्लीमेंट के साथ में खेत में भी ऑपरेट कर रहे हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। काफ़ी मक्खन कटाई के साथ में ट्रैक्टर को आप आसानी से मोड़ सकते हैं। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख सकते हैं जो बोनट दिया गया है वो सिंगल यूनिट के साथ में दिया गया है। ये जो खुलता है आप देख सकते हैं, इसको खोलने का जो स्टाइल है, यानी इसको ओपन करने के लिए आपको साइड में जो लॉक दिए गए हैं इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, और इसको खोलने के लिए आपको आगे की तरफ इसको धकेलना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस अगर आपको करना है तो कुछ इस प्रकार से इसको बोनट को आगे की तरफ आप खोल पाएंगे। आगे की तरफ से बात करी जाए तो बैटरी का स्थान इसमें आगे की तरफ रखा गया है। उसके अलावा जो रेडिएटर इसमें आपको एल्यूमिनियम की जाली के साथ में दिया गया है। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको वाटर कूल इंजन दिया गया है रिजर्वायर के साथ में, इसमें आपको यहाँ पे अलग से देख सकते हैं कूलेंट के लिए रिकवरी बोतल भी रिजर्वायर के साथ में इसमें दी गई है। उसके साथ साथ में इस ट्रैक्टर के अंदर जो एयर क्लीनर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल बार टाइप का दिया गया है, उसकी जो असेंबली है आगे की तरफ यहाँ पे डिजाइन करी गई है। जो प्री क्लीनर है इसमें आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये जो प्री क्लीनर दिया गया है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिजाइन इसमें देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट चूल्हा है उसके अंदर यहाँ पे काफ़ी स्पेस इसमें आपको देखने को मिल जाए, जैसे ट्रैक्टर की जो लंबाई है थोड़ी सी बढ़ गई है, बीच में आपको यहाँ पे स्पेस जो देखने को मिलेगा। स्पेस होने से ट्रैक्टर के जो इंजन है उसमें कूलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से होती है, जो एयर सर्कुलेशन है काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाएगा। इसमें ट्रैक्टर का इंजन आप लंबे समय तक ऑपरेट कर रहे हैं तो ज़्यादा हीट ट्रैक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसके साथ साथ में किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के इंजन कॉन्फिगरेशन की बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सिम्पसन कंपनी का ट्रेम 3A SJ327 सीरीज का इंजन दिया गया है, जो कि माइकोबोश कंपनी के इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ में आता है। इंजन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें आपको 2700 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है, 50 हॉर्स पावर की फुल पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फीड पंप दिया गया है, जो कि इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। उसके अलावा डीजल के डुअल स्पिन फिल्टर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो डीजल की काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सफाई करते हैं। उसके साथ साथ में इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे देख सकते हैं वाटर सेपरेटर का एडिशनल फीचर दिया गया है। डीजल के अंदर जो पानी की मात्रा आ जाती है उसको बाहर निकालने के लिए वाटर सेपरेटर का यहाँ पर आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा जो डीजल टैंक है आप देख सकते हैं उसकी असेंबली यहाँ पे बोनट के नीचे करी गई है। कैपेसिटी की बात करी जाए तो 60 लीटर की कैपेसिटी के साथ में जो डीजल टैंक है दिया गया है। मेटल बॉडी के साथ में दिया गया है, फाइबर का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। उसके अलावा किसान साथियों, इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं फुली फ्लैट प्लेटफॉर्म इस ट्रैक्टर का देखने को मिल जाता है, और जो पैडल है चाहे वो क्लच का पैडल हो या फिर ब्रेक का पैडल हो, सस्पेंडेड पैडल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि किसान भाई के कंफर्ट लेवल को और भी बढ़ा देते हैं बिल्कुल, जिसका जो ड्राइविंग पोजीशन है आपको कार की तरह देखने को मिल जाती है। उसके अलावा प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए इसमें आपको सिंगल फुटस्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ट्रैक्टर की चेसिस के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है खुला और बड़ा होने के साथ साथ में जो सीट की चौड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने को मिल जाती है, इसमें ट्रैक्टर की जो कम्फर्ट लेवल है काफ़ी बढ़ जाता है। जो ट्रैक्टर का ऑपरेशनल एरिया है, ऑपरेट करने वाले जितने भी लीवर हैं फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में डिज़ाइन किए गए हैं।
जो कि ऑपरेट करने में किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आने वाली है। उसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील है उसका साइज आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दिया गया है, बीच में मैसी कंपनी का लोगो आपको देखने को मिल जाता है, और जो मीटर कंसोल है ट्रैक्टर के अंदर उसका भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज में जो स्क्रीन है देखने को मिल जाती है। बीच में यहाँ पे आपको वायर पे मीटर देखने को मिल जाएगा, साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी कितनी चार्ज है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ऑयल का प्रेशर कितना वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, उसके अलावा ट्रैक्टर का इंजन का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ट्रैक्टर के अंदर डीजल कितना है वो यहाँ पे आप आसानी से चेक कर पाएंगे। छोटी सी डिटेल्स दी गई है जिसमें आप ट्रैक्टर के घंटे यहाँ पे चेक कर सकते हैं, उसके अलावा लाइट से जुड़े कंट्रोल हैं या फिर इंडिकेटर से जुड़े कंट्रोल हैं, आपको लाइट में जो सिंबल है आपको साथ में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बाएं तरफ से अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्किंग का लीवर अलग से दिया गया है जो कि सीट के साइड में आपको देखने को मिल जाता है, और जो पीटीओ का लीवर है इसमें आपको साइड में जो देखने को मिल जाता है। टोटल स्पीड की अगर बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आप रिवर्स पीटीओ चला सकते हैं, फॉरवर्ड पीटीओ चला सकते हैं, जो कि एडिशनल फीचर इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर की क्लच की अगर बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डुअल क्लच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक ही पैडल के अंदर आपको दो क्लच देखने को मिल जाती है। स्वतंत्र पीटीओ क्लच का लीवर इसमें आपको नहीं दिया गया है। उसके अलावा ब्रेक की बात करी जाए तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो कि कंफर्ट लेवल को भी बढ़ा देते हैं। जो ब्रेक की असेंबली है नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे डिजाइन करी गई है, और जो हाइड्रोलिक के कंट्रोल है आप देख सकते हैं फुली एर्गोनॉमिक शेप के साथ में डिजाइन किए गए हैं, इनके जो लीवर हैं कुछ अनोखे स्टाइल में यहाँ पे डिजाइन किए गए हैं। उसके साथ साथ में इस ट्रैक्टर के अंदर आपको रिमोट वाल्व का एक एडिशनल फीचर दिया गया है, उसका लीवर आपको साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो मैसी कंपनी का इसमें आपको असली साइड शिफ्ट गियरबॉक्स दिया गया है। असली साइड शिफ्ट का मतलब ये है कि अगर आप भागते हुए ट्रैक्टर में भी अगर गियर चेंज करेंगे तो किसी प्रकार की उलझन जो है नहीं आएगी। ये जो लीवर है डायरेक्ट गियरबॉक्स के साथ में कनेक्टेड है, किसी प्रकार का यहाँ पे अलग से कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं दी गई है, डायरेक्टली ये गियरबॉक्स के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड जो है असली साइड शिफ्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जो गियरबॉक्स है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको कॉम्फी मैस 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स की स्पीड में साथ में दिया गया है। उसके अलावा इस ट्रैक्टर के अंदर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सेफ्टी के लिए इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट लॉक भी दिया गया है, जो कि काफी अच्छी चीज है, और जो सीट है अपनी हाइट और वेट के हिसाब से आसानी से आगे पीछे करके इसको एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़े तो इस ट्रैक्टर के इंजन साउंड और टर्निंग रेडियस की बात करें तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। नॉर्मल आइडियल आरपीएम पे आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के जो आइडियल आरपीएम है 750 आरपीएम दिए गए हैं। आइडियल आरपीएम ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका है। अगर ट्रैक्टर के अंदर आरपीएम अगर मैं बढ़ाऊँ तो आप देख सकते हैं वो ट्रैक्टर के अंदर आपको डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं जो कटाई है ट्रैक्टर की स्टीयरिंग की जो कटाई काफ़ी मक्खन स्टीयरिंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है। दोनों ही साइड काफ़ी आसानी से ट्रैक्टर के स्टीयरिंग को आप घुमा पाएंगे, लीवर की सहायता से ट्रैक्टर के नियंत्रण आसानी से जो है बंद कर सकते हैं। आगे की तरफ बड़े इस ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक कैपेसिटी है आपको 1800 किलो की देखने को मिल जाती है, जो कि मीटा कंपनी की दी गई है। बाल सिस्टम का यहाँ पे इस्तेमाल इसमें हाइड्रोलिक के अंदर किया गया है, और जो टोपलिंग के सेंसिंग पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं 3 टोपलिंग के सेंसिंग पॉइंट ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग दूरी पे यहाँ पे एडजस्टमेंट इसकी देखने को दी गई है। उसके साथ साथ में जो पीटीओ की शाफ्ट है वो 6 स्प्लाइन वाली देखने को मिल जाती है, फुली कवर के साथ में दी गई है, और जो हाइड्रोलिक की लिंकें हैं आप देख सकते हैं काफ़ी लंबाई के साथ में दी गई है। जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं मिड रेंज के साथ में जो क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। स्टेबलाइजर की बात करी जाए तो इसमें आपको देख सकते हैं चेक चेन सिस्टम वाला यहाँ पे स्टेबलाइजर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ में इसमें रोड की सेफ्टी के लिए पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर दिया गया है। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं टूल बॉक्स में आपको साइड में जो है टूल बॉक्स आप देख सकते हैं काफी गहराई के साथ में दिया गया, काफी बड़े साइज में दिया गया, जो कि पीछे की तरफ यहाँ पे असेंबली तैयार करी गई है। मोटर होल्डर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा फीचर है। उसके अलावा जो टेल लैंप है आपको हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिल जाते हैं, एलईडी लाइट का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है। आगे की तरफ बढ़े से टायर साइज की बात करी जाए तो इसमें जो रियर टायर साइज है 14x28 के साइज में दिया गया है, बीच में किसी प्रकार का वेट यहाँ पे नहीं दिया गया है, और जो फ्रंट टायर है 7x16 के साइज में दिया गया है। 6x16 के साइज में अगर टायर साइज आप लेना चाहते हैं तो वो भी कंपनी यहाँ पे अवेलेबल करवाती है, उसमें भी आप अलग से विकल्प जो चूज कर सकते हैं। उसके अलावा किसान साथियों इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर और एसएफसी की बात करी जाए तो वो मैं आपको बता देता हूँ इस ट्रैक्टर की पीटीओ पावर कितनी है, उसके अलावा जो एसएफसी है वो कितनी यहाँ पे दी गई है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट है यहाँ पे इसकी जो मैक्स पीटीओ पावर आपको 31.8 किलोवाट की देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जो एसएफसी है 1 किलोवाट बनाने में 1 घंटे में ये ट्रैक्टर जो है 265 ग्राम यहाँ पे डीजल लेता है। उसके अलावा किसान साथियों बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत की। अगर हरियाणा के तौसान जिले में इस ट्रैक्टर को आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे इस ट्रैक्टर की जो कीमत है, सबसे पहले तो डीलरशिप का एड्रेस आप चेक करें, यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट करके इस ट्रैक्टर को आसानी से इस एरिया के अंदर आप खरीद पाएंगे। यहाँ पे इस ट्रैक्टर का जो प्राइस है आपको 7,80,000 से
7,90,000 के ऑन रोड प्राइस ट्रैक्टर को आप खरीद सकते हैं। जो प्राइस होता है, जो कीमत होती है ट्रैक्टर की, डीलर टू डीलर वैरी करती है, उसके अलावा स्टेट टू स्टेट भी वैरी करती है। अगर इस ट्रैक्टर की आप कीमत जानना चाहते हैं कितनी है अपने एरिया के हिसाब से, तो सबसे पहले ट्रैक्टर जंक्शन के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा tractorjunction.com वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वो जो प्लेटफॉर्म है स्पेशल आपके लिए यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें आप ट्रैक्टर के बारे में किसी प्रकार की जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप विजिट करके आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।